बिगिनर्स है और जो अभी जिम चालू करने वाले, वो ये खासकर बातें याद रखना, ठीक है? हाँ, और पूरी वीडियो एंड तक देखना। नेगेटिव लोगों से बहुत दूर रहना भाई, नेगेटिव लोग आपकी ज़िंदगी ख़राब कर देंगे मेरे भाई। ओ हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हो गाइस? सब लोग आई होप यू आर मच बेटर, अच्छे होंगे। लेकिन नहीं, पहले पंखा बंद कर दिया जाए क्योंकि आवाज़ आएगी, है ना? तो पहले मेरी आवाज़ पहले, बाद में पंखे की आवाज़, ठीक है? तो भाई गर्मी हो रही थी इसलिए पंखा चालू करा था। अभी बज रहे हैं 2:30, ठीक है? मेरे पास दूसरा मोबाइल नहीं है और घड़ी भी नहीं है, मैं मोबाइल से टाइम देखता हूँ, है ना? तो मैं आप लोगों को बताता, पर 2:30 बज रहा है सही में। हाँ, और मैं अभी प्रैक्टिकल कंप्लीट कर रहा था। मैं उठा अभी, मैं पानी वानी पिया, उसके बाद में मैंने बोला यार ब्लॉग चालू करना है, तो बस अपन ने मोबाइल उठाया, ब्लॉग को चालू करते हैं। और अभी मैं कर रहा हूँ पढ़ाई। कहाँ गए भाई? हाँ, ये प्रैक्टिकल भाई, इतनी प्रैक्टिकल दे दी ना भाई, मतलब समझ रहे हो कि मतलब मैं वो स्कॉलरशिप के फॉर्म भरे, स्कॉलरशिप के फॉर्म भरने के बाद में क्या हुआ, स्कॉलरशिप के फॉर्म भरा, आया, फिर उसके बाद प्रैक्टिकल कम्प्लीट। तो भाई प्रैक्टिकल नो सब्जेक्ट में कितना करेंगे यार? वैसे लोग कर लेते हैं वैसे, पर क्या है, अपन लोग थोड़ा समझा करो अपन कैसे, थोड़ा टाइम लगता है करने में भी, है ना? चलो कोई बात नहीं, अपन कर लेंगे वैसे तो, है कि नहीं? और बस अभी मैं कर ही रहा था कंप्लीट कल, आज मैं कॉलेज भी नहीं गया क्योंकि प्रैक्टिकल कंप्लीट करना था, और कुछ नहीं, बस प्रैक्टिकल के चक्कर में नहीं गया, और कुछ नहीं, खाना आना खा लिया मैंने। हाँ, और अभी प्रैक्टिकल कंप्लीट करते हैं, उसके बाद आप लोगों से मतलब व्लॉग को आगे कंटिन्यू करते हैं। बताना कि कैसी लगी ड्राइंग, ठीक है? नहीं क्या, मतलब ऐसी, मतलब इतने अच्छी बनाते हैं नाते नहीं आती ड्राइंग व्राइंग, पर ऐसी बना लेते हैं। अभी तो मैं जब से इतनी देर से बाहर भी नहीं निकला हूँ, अभी पानी यानी गिरा है, मतलब मौसम पूरा पानी का जैसा, मतलब पानी गिरता नहीं है, बताओ। अभी 2-3, 4 दिन से शायद गिरा नहीं होगा पानी। बस मैं अभी तक अंदर ही था, अभी बाहर आया हूँ। 5 बज गए, मैं मुँह हाथ धुल लिया हूँ, मैंने मुँह तो धुला धुला लग रहा हूँ, है ना? अरे तुम्हारा भाई स्मार्ट है यार, वैसे ही मजाक कर रहा हूँ। तो मैंने मुँह धुल लिया है, अभी मैं टी शर्ट पहनता हूँ, है ना? और उसके बाद मैं मतलब मेरे को प्री वर्कआउट लेना पड़ता है। तो प्री वर्कआउट में जैसे कि आप लोगों को, बहुत लोगों को मैंने मतलब वीडियो भी डली है ना, तो इंस्टा, ये क्या बोलते हैं, डिस्क्रिप्शन में वो होंगी शायद लिंक प्री वर्कआउट की, उसमें भी लिखा है, उसमें बताया मैंने कि प्री वर्कआउट में क्या लेना चाहिए। तो मैं तो अभी सिर्फ मतलब गेनिंग पे चल रहा हूँ, तो दही और एक दही और आलू लेता हूँ, क्योंकि देखो गेनिंग में चल रहा हूँ मैं, वैसे ही वेट मेरा कम है, कम से कम 53 पे चला गया है अभी, मतलब नॉर्मली 55, 53, 52, 50 के अंदर ही रहता है मेरा वेट, है ना? तो मेरे को गेनिंग पे चल रहा हूँ मैं, कितने दिन से, मैंने पहले भी ब्लॉग में बताया हुआ। तो मैं दही और आलू लूँगा, उसको मिक्स करूँगा, थोड़ा सा नमक डालूँगा उसमें, है ना, सेंधा नमक, और वो लूँगा। अभी 1 घंटा हुआ, 5:55 हो गए शायद, है ना? हाँ, 5:55 हो गए। तो मैं अभी जाता हूँ, दही लेके आता हूँ, उसके बाद प्री वर्कआउट लेता हूँ, और फिर मिलता हूँ आप लोगों को सीधे कहाँ, जिम में। Bitch, I'm outside of some movie. Blue cheese, I swear I'm addicted to blue cheese. I gotta stick to this paper like blue sleep. Bitch, I'm by my chicken like it's a two-piece. You can have your bitch back, she a groupie. She just swallow all my kids in a two-seat. Swagged out, familiar, we bringing them gas out. I still got some racks stuffed in the trap house. Off the 42, I'm blowing her back out. I'm back with my bullshit, spin back with a full clip. They say I'm moving ruthless, and my shooters, they shooting. I won't take her, they ruthless. I get the breeze, then it's adios. If I'm with your trees, then she give it though. When I see police, then we gang low. That's another piece, that's another zone. Ice in the VVs, now she down to get treachy. I got all this water on me like Fiji. Bitch, I'm posted up with hats and the sleazies. Smoking the Zaza, it go straight to the Mata. Then I'm up in the chopper, hitting the cha-cha. Open his lata, then he dancing my chata. Smoking the Zaza, it go straight to the Mata. Then I'm up in the chopper, hitting the cha-cha. Then I'm open his lata, then he dancing my chata. Whooped it, bitch, I'm outside of some movie.
blue cheese. I swear I'm addicted to blue cheese. I gotta stick to this paper like blue sleep. Bitch, I'm by my chicken like it's a two-piece. You can have your bitch back, she a groupie. She just swallow all my kids in a two-seat. Swagged out, familiar, we bringing. सो हे गाइस, मैं अभी जिम से आ गया हूँ. वर्कआउट डाइट भी ले ली, नहा धो लिया और अभी मैं आप लोगों के सामने बैठा हूँ. पहले उससे पहले एक बात, जो बिगनर्स हैं और जो अभी जिम चालू करने वाले, वो ये खासकर बातें याद रखना, ठीक है? हाँ, और पूरी वीडियो एंड तक देखना. तो वो मेरे को, मेरा फ्रेंड है जस्ट, तो वो फ्रेंड मिला मुझे और वो मुझे मिला. तो मैंने उससे पूछा, और भाई तेरे क्या चल रहा है, मतलब जिम विम जा रहा है कि नहीं जा रहा है? वो बोलता है भाई कि मैंने जिम छोड़ दिया है. तो मैंने पूछा, क्यों यार भाई, क्यों जिम छोड़ दिया? तो वो बोल रहा था कि भाई मेरे को 6 महीने हुए हैं वर्कआउट करे हुए, 4 महीने हुए वर्कआउट करे. भाई मैं जैसे जिम से आता हूँ तो और मतलब कोई 4-5 फ्रेंड सर्कल रहता है, फ्रेंड लोग रहते हैं उसके, या कॉलेज जाता है, तो उन लोग बोलते हैं कि यार तू जिम तो जाता है यार, तो बॉडी तो दिखती नहीं तेरी, तू करता क्या है यार, तेरी बॉडी नहीं बन रही, तू जिम जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तू मील ले रहा है कि नहीं ले रहा है. तो फिर मैंने उसको बोला, मैंने बोला भाई एक बात बता, कि अगर आपको बहुत तेज भूख लगी, एक चीज़ याद, मैं एक चीज़ पूछता हूँ, अगर आपको बहुत तेज भूख लगी है, ठीक है, बहुत तेज, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया, ये मेरी बात है ना, सुबह से कुछ नहीं खाया, और आपको कोई बोले कि भाई तू खाना मत खा, हाँ, और आपके सामने खाना रखा है तो खाना मत खा, तो आप एक बात बताओ, आपको भूख लगी आप खाना खाओगे कि उसकी बात को मतलब उसकी बात की मान रखोगे, वही चीज़ सोचोगे कि नहीं यार ये मना कर रहा है मैं खाना नहीं खाऊँ? तो आपको भूख लगी है तो आप ज़रूर खाना खाओगे. तो यही बात मैंने उसको समझाई, मैंने उसको बोला भाई देखो एक चीज़ बता, मैं आप लोगों को पूछता हूँ, मैं आपको एक चीज़ पूछता हूँ, आपको बॉडी बनाना है कि नहीं बनाना है? बनाना है ना, तो लोगों की बातों पर क्यों आते हो यार? अरे भूख लाओ यार, भूख मतलब जैसे खाने की इच्छा होती कि नहीं, कोई भी चीज़ को खाने की इच्छा होती, मतलब गुलाब जामुन किसी को खाने की इच्छा होती, किसी को रसगुल्ला, किसी को कुछ, किसी को कुछ बहुत चीज़ पसंद होती है, तो वो चीज़ के लिए पाने के लिए अपन बहुत सी मेहनत करते हैं. अब किसी ने बोल दिया कि अरे यार ये मत कर, तो क्या आप छोड़ दोगे? तो मतलब आपके, आपने जो सोचा है, मतलब जो जो कर रहे हो वो चीज़ छोड़ दोगे? मैंने उसको यही समझाया, मैंने बोला भाई मैं आप लोगों को भी एक चीज़ समझाता हूँ, ये चीज़ इन लोगों को बोलने से कुछ नहीं होने जाने वाला, आपका कुछ है नहीं. एक तो सीधे सी बात, आपका लॉस है. एक चीज़ मैं बताऊँ, आपका लॉस है. क्या होता है, आप उनने बोला, आप घर आए और आप वही माइंड में सोचने लग गए, यार मेरी बॉडी नहीं बन रही ये तो, और आपका 1 महीना हुआ, आपने फिर जिम जाना छोड़ दिया. और बॉडी ग्रोथ हो रही है भाई, बॉडी ग्रोथ होने में बहुत टाइम लगता है यार मेरे भाई. जितने भी बड़े बड़े एथलीट है, ऐसी थोड़ी ना बॉडी बन जाती, सालों लग जाते भाई. 3 महीने में बॉडी नहीं बनती मेरे भाई, 3-3 साल लग जाते, 4-4, 5-5 साल लग जाते भाई. लोगों को तो 10-10, 12-12 साल लग गए बॉडी बनाने के, और आप लोग बोलते हैं कि भाई मैं 3 महीने में बना लूंगा, मैं 4 महीने में बना लूंगा. भाई ऐसी बन जाती तो भाई सभी लोग बॉडी बिल्डर घूमते रहते ना. उसको मैंने ये समझाया, मैंने बोला भाई तू लोगों की, कोई लोग बोलता ना ऐसे कान बंद कर लेना, सीधे आ जाना घर पे, कोई बोल रहा है ना उसको बोलने देना, वो चीज़ अपने ऊपर हावी मत होने देना, उसको बोलने देना, अपन घर आ जाना, उसके बारे में कभी मत सोचना. और मैं एक चीज़ ये लास्ट बार बता रहा हूँ मैं, और इस बात को ध्यान से सुनना, कि भाई जिस दिन आपकी बॉडी बनेगी, बॉडी से नहीं कोई भी चीज़, अगर कोई भी काम कर रहे हो और जिस दिन आप उसमें कामयाब हो जाओगे ना भाई, जितने लोग तुमको बोल रहे हैं ना कि क्या भाई तुम्हारी बॉडी नहीं बन रही, तुम जिम जाना छोड़ दियो, तुम क्या काम नहीं कर रहे हो, अभी ये काम करके क्या मिलेगा तुमको, क्या मिलने वाला है, क्या कर लोगे, क्या उखाड़ लोगे, मैं बता रहा हूँ जिस दिन बन गए ना, मैं बता रहा हूँ जिस दिन बन गए, उस दिन जितने लोग तुमको ऐसे बोल रहे थे ना, वो खुद आएंगे आपके पास, बोलेंगे अरे भाई क्या तो बात है भाई, तुमने क्या दिखा दिया भाई, मतलब जो नहीं कर सकता कोई वो आपने कर दिया भाई, एक फ़ोटो भाई, एक सेल्फी भाई, एक ये भाई वो, आप तो वैसे ही फेमस हो जाओगे. और आप क्या है, किसी ने बोल दिया हट यार मेरे पास सप्लीमेंट के लिए पैसे नहीं, हट यार मेरे पास पैसे नहीं, हट यार मेरे पास डाइट लेने के लिए पैसे नहीं. नेगेटिव लोगों से बहुत दूर रहना भाई, नेगेटिव लोग आपकी ज़िंदगी ख़राब कर देंगे मेरे भाई, सही बता रहा हूँ मैं. तो मैं लास्ट में यही बात बोलना चाहूँगा भाई, कि बस आपकी, आप बस मेहनत करते रहो, जिस दिन फल मिलेंगे ना उस दिन सब आ जाएंगे, जितने लोग दूर गए ना सब वापस आ जाएंगे.
ठीक है, बस यही मैं बताना चाह रहा था और कुछ नहीं भाई। बिगनर्स और जो अभी जिम चालू करने वाले उन लोग खास करके याद रखना ये सब चीज़ें, है ना। बोलने वाले बहुत मिलेंगे, पर जिस दिन बन जाऊंगा उस दिन आप खुद ही देखोगे, आप खुद ही देखोगे कि मेरे पास कोई नहीं था, आसपास कोई नहीं था, और जब कुछ बन जाऊंगा तो सब आ जाएंगे आपके पास। ठीक है, तो बस मेहनत करते रहना। तो मिलते हैं आपको वीडियो, ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताना, और अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, नहीं लगा होगा तो डिसलाइक करना, और कुछ सीखने को मिला होगा तो कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग के लिए, तब तक के लिए बाय।